सासाराम में किसान एक बार फिर सड़क पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने जिलाधिकारी परिसर का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सरकार से स्वामीनाथन आयोग 2006 की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है। यही नहीं, किसानों ने जिलाधिकारी को अपना 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कोई काम नहीं हो रहा, सरकार जो घोषणा करती है वो भी किसानों का लागू नहीं करती। स्वामीनाथन आयोग सरकार ने बनाया था और अपने ही आयोग की रिपोर्ट को उसने लागू नहीं किया, लगातार नहीं। और उसने कहा कि भैया 1750 रुपया हम आपको दे दिया, अरे 1550 का टेढ़ा 1750 होता है कि 1523 होता है। इस तरह से किसानों का छलने का काम है सरकार कर रही है, इसलिए किसान जो रोड पर आए हैं और किसानों के अंदर जागरूकता आ गई है। किसान भी समझ रहे हैं ये जितनी भी सरकारें हैं हमारा किस तरह से शोषण कर रही है, इसलिए फिलहाल किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो वही किसान अपनी 11 सूत्री मांगों पर अड़े हैं। देखना ये होगा कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट।